Assalamu alaikum dear students, in this video we will discuss international relations CSS past paper 2021 aur hum paper 1 discuss karenge aur isme hamara first question hai examine China's strategic vision behind the Belt and Road Initiative BRI also known as One Belt and One Road. So iske jin ki jo the Belt and Road Initiative ke piche strategic vision kya hai. The Belt and Road Initiative also known as One Belt One Road is a massive global development project led by China launched in 2013 by Chinese President Xi Jinping. The BRI aims to connect Asia with Africa, Europe and other regions through infrastructure projects like railways, highways, ports and energy networks. So this initiative has both economic and geopolitical goals for China. The Belt and Road Initiative BRI, jis tarah se usko One Belt One Road bhi kehte hain, to China ki qiyadat mein ye shuru ki jane wali ek badi sata alami yani ki tarah ki tarqiyati ye mansooba hai. ये मनसूबा 2013 में यानी चीनी सदर शी जिनपिंग ने लॉन्च किया था और इसका मकसद एशिया को अफ्रीका को और यूरोप और दीगर खितों से जोड़ना है और इसके तहत रेलवे हाईवेज इसके साथ साथ बंदरगाहें तवनाई के नेटवर्क इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इसके अंदर शामिल हैं. इस एकदम के चीन के लिए इकतसादी और जोग्राफी सियासी मकासद हैं. तो हम इसका देखते हैं चीन के स्ट्रेटजिक विजन को जो है कुछ बेहतर अल्फाज में बयान करने की कोशिश करते हैं. सो एनहेंसिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बीआरआई इज टू इंप्रूव ट्रेड बाय बिल्डिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस अलाउज फॉर इजियर मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पीपल बिटवीन चाइना एंड अदर कंट्रीज. तो इसमें जो है तजारत है और इकतसादी तरक्की है इसके अंदर इजाफा है. तो बीआरआई का जो बुनियादी मकसद है वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर के जरिए तजारत को प्रमोट करना है जिससे चीन और दीगर जो ममालिक हैं उनके दरमियान सामान को सर्विसेज को लोगों के मूवमेंट को आसान बनाया जा सके. देन इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी के अंदर बेहतरी भी है. बीआरआई का एक यानी कि मकसद है कि नए तजारती रास्ते तामीर करना. चीन अपने बाजारों की यूरोप जनूबी मशरकी एशिया अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्से उनको मसर तरीके से जोड़ना चाहता है. फिर जो बेल्ट यानी जमीनी रास्ते जैसे रेलवे की तरफ है इशारा करते हैं जबकि रोड जो है वो बहरी रास्तों की नुमाइंदगी करते हैं. उसके साथ साथ चाइनीज एक्सपोर्ट यानी अपना बूस्ट करना चाहता है. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चीनी कंपनियों को मुसर तरीके से जो है वो अपने बरामदात के अंदर मदद देता है जिससे चीन को नए मार्केट तक रसाई भी मिलती है. तजारती तलुकात में भी बेहतरी आती है. देन सिक्योरिंग एनर्जी एंड रिसोर्स सप्लाईज तो चाइना जो है वो अपने जो भी यानी कि मसाइल हैं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और अपने तवानाई और वसाइल की फरहमी को महफूज बनाना चाह रहा है. चीन की जो तेज रफ्तारी से जो यानी कि बढ़ती जो संदी तरक्की है उसने दुनिया का सबसे बड़ा तवानाई का सारे बना दिया है. चाइना को अपनी मईशत की हमायत के लिए जो है वो चीन को तवानाई के वसाइल जिस तरह से तेल है गैस है या खाम माल तक मुस्तहकम है उसके महफूज और रसाई यानी कि उसकी ज़रूरत है. और उसके बाद एनर्जी कॉरिडोर है यानी जो है चीन की जो बी आर आई चीन को नए तवानाई रास्ते जिसमें पाइपलाइंस हैं तवानाई के तरसील के ज़राए हैं कायम करने में मदद दे रहा है. इसके साथ साथ जो वस्ती यानी कि वस्ती एशिया है वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं या इसके साथ मिडल ईस्ट है तो अफ्रीका जैसे ममालिक हैं वो तेल और गैस की मुसलसल फरहमी को भी यानी कि यकीनी बनाया जा सके उन तक ये चाइना की जो है वो कोशिश है. और इस तरह से जो बी आर आई के जरिए चाइना जो है वो कई खितों के अंदर अपनी शराकत दारी करके अपनी तवानाई को अपने खाम माल को जो है वो बेहतर बनाना चाहता है अपने मटेरियल सप्लाईज को और अपने यानी कि जो रिलायंसेज हैं सिंगल सोर्सेज के ऊपर उनको रिड्यूस करना चाहता है. जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड सॉफ्ट पावर है यानी कि जो बी आर आई है उसके जरिए चाइना अपने यानी कि जो भी उसका इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने का एक जरिया के जरिए के तौर पर देखता है. दूसरे ममालिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी हो कर्जे फराम करके चीन ऐसे तलुकात कायम करता है जो आलमी सतह के ऊपर उसकी सियासी ताकत के अंदर इजाफा करें उसको मोर यानी पोलिटिकल पावर उसकी को बेहतर बनाए. दिन बिल्डिंग अलायंसेज है चाइना जो है वो बी आर आई में शामिल ममालिक के साथ सफारती और इक्तसादी तलुकात को मजबूत करके अपने बैन अक्वामी जो फोरम्स हैं जिससे अकवाम मुतहदा है इसमें सियासी हमायत हासिल कर सकता है. और इस तरह से इसके अलावा एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस इन डेवलपिंग रीजन द इनिशिएटिव स्पेशली टारगेट्स डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका पोजीशनिंग चाइना एज अ की प्लेयर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस. तो इसके इस तरह से जो है बी आर आई में जो यानी बी आर आई के जरिए जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस को बेहतर बनाना चाहता है. मुझे मनसूबा जो है खासतौर पर एशिया अफ्रीका लातिनी अमरीका के तरक्की पजीर ममालिक को हदफ बनाता है जिससे चाइना खुद को इनके इकतसादी तरक्की में अहम किरदार के तौर पर देखता है. फिर इसका
यानी कि आलमी तौर पर इसका असर और रसोख भी बढ़ता है, इसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है, देन रिड्यूसिंग डोमेस्टिक ओवर कैपेसिटी। तो चाइना की जो सनती पैदावार है खासतौर पर स्टील है, सीमेंट है, तमीराती शोबे के अंदर अक्सर यानी कि मकामी तलब से ज्यादा होता है। तो BRI में जो इस मसले का हल देता है, BRI जिन चाइना को जो अपने इजाफी वसाइल है उनको वो बैरून मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूब में इस्तेमाल करने का मौका देता है, यानी जो भी यानी कि उसकी कंपनियों के पास जो भी उनके इस तमीर के शोबे के अंदर जो भी खाम माल होता है, मटीरियल होता है, वो यानी कि उसके इस्तेमाल करने से ज्यादा होता है। तो फिर चाइना ने BRI के जरिए यानी कि इसको प्लानिंग के अंदर इसको शामिल किया कि इसी मटेरियल को जो है वो बाहर लेकर जाया जाएगा, और बाहर के जो मालिक हैं और जो उनमें चाइना के मंसूबे चल रहे हैं रेलवे के हवाले से, रोड बनाने के हवाले से, तो वो उसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा उनको बेहतर तरीके तरीके से। तो BRI के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के जरिए चाइना की जो कंपनी है वो अपने इजाफी तमीराती मवाद को, अपने मशीनरी को, अपने जो भी यानी कि उनकी जो महारत है उनको बरामद भी करती हैं, जिससे उनकी संतें फाल भी होती हैं, फिर उनके अंदर उनकी पैदावार भी बढ़ती है, देन क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स। तो चाइना जो है वो अपनी संत और तकनीकी मसनूआत जिसमें जदीद साज सामान है, तेज रफ्तार ट्रेनें हैं, इनके लिए नए जो है वो बाजार पैदा करने का मौका भी देता है। देन इंप्रूविंग रीजनल स्टेबिलिटी इन नेबरिंग रीजन इज क्रूशियल फॉर चाइना लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। BRI कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन विच इन टर्न फोस्टर स्टेबिलिटी। तो इस तरह से जो पड़ोसी ममालिक हैं इसमें इस्तेहकाम की इनकी बड़ी मदद तक तरक्की दे सकते हैं, उसको उसकी सलामती के लिए बहुत अहम है। BRI इन इलाकों की जो सारी तरक्की है उसमें सपोर्ट करके अपने अपनी स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर पीस। तो इस तरह से जो है चाइना अपने जो करीबी ममालिक हैं उनकी इक्तसादी तरक्की में मदद देकर उनको इतहा पसंदी से बचा सकता है, इक्तसादी आदम इस्तेहकाम के खतरात को कम कर सकता है खित्ते के अंदर, यानी कि चाइना पीस के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर सकता है। और इसके अलावा जो अगर हम इलाकाई ताकत के तवाज़ुन देखें तो इलाकाई तरक्की में भी यानी कि ये एक लीड कर सकता है चाइना, जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, जनूबी मशरकी एशिया के यानी कि जैसे खत्ते हैं इनके ताकत का जो बैलेंस है उसके ऊपर यानी कि चाइना असरअंदाज हो सकता है इसके हवाले से, और खुद को एक डोमिनेंस यानी कि प्लेयर के तौर पर ये साबित कर सकता है, देन क्रिएटिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो BRI के जरिए चाइना जो का जो मकसद है वो आलमी निज़ाम को चैलेंज करना है, जिस पर जो गर्भ ममालिक हैं उसमें अमरीका का गलबा है। तो इसके अलावा जो प्रमोटिंग मल्टीलेटरलिज्म है, यानी BRI से जो है वो जो भी वाबस्ता मंसूबे हैं इसके अंदर जो है इन मंसूबों को चाइना जो है वो प्रमोट कर सकता है, और BRI इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट बैंक हैं जैसे इदारे AIB है, इस तरह के इनके जरिए चाइना जो है वो मगरबी मालियाती इदारे जिस तरह से वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनके मुतबादल के तौर पर भी पेश कर रहा है। इसके अलावा फोस्टिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रीजनल स्किल रोड, यानी कि जो इसके BRI के यानी कि इसके अंदर जो डिजिटल स्किल्स भी हैं, डिजिटल स्किल रोड का इनके एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी यानी कि तवज्जो दी जा रही है, जिसका मकसद क्या है कि तकनीकी और जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरक्की को प्रमोट किया जा सके। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना के लिए बड़े आलमी इक्तसादी, सियासी, सकाफती इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए एक बड़ी हिकमत अमली है। तजारती रास्तों को बेहतर बनाकर, वसाइल को महफूज बनाकर, और इसके अलावा चाइना जो है वो अपनी सफारती तलुकात को बेहतर बनाकर जो है वो तमाम यानी कि आलमी सतह के ऊपर अपनी ताकत को, अपनी पोजिशन को बेहतर बना सकता है और बेहतर बनाना चाहता है। ये मनसूबा चीन को जो है वो डोमेस्टिक चैलेंजेस से जैसे यानी कि उनके इजाफी सलाहियत है उसके भी हल देता है, साथ ही एक बड़े यानी कि उसको एक बड़ी ताकत के तौर पर भी मनवा सकता है पूरी दुनिया के अंदर। BRI चाइना के विजन को भी जाहिर करता है, जिसके तहत वो दुनिया को अपनी क्यादत में जोड़ते हैं, अपनी तरक्की को फरोग देते हैं, अपने अपने मसाइल को हल करते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गिव अ क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान की खाद्य पॉलिसी का तनकीदी जायजा और आबो हवा की तब्दीली के तनाजर में। तो आबो हवा की तब्दीली जो है एक बड़ा आलमी चैलेंज है और पाकिस्तान इसके असरात का बहुत ज़्यादा शिकार है। पाकिस्तान को बार बार कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सैलाब है, खुश्क साली है और बढ़ती हुई दर्ज हरारत है, जो कि इसकी जिनके ज़रात को, इसकी मईशत को, इसकी मजमू तरक्की के ऊपर यानी कि ये इफेक्ट कर रहा है। तो फिर इसके नतीजे में आबो हवा की जो तब्दीली है उसका मसला पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इसके ऊपर भी काफ़ी यानी कि इफेक्ट कर रहा है।
इसे पाकिस्तान की आबोहवा की तब्दीली के हवाले से जो खाजा पॉलिसी की कोशिश है और जो चैलेंजेस हैं और बेहतरी है इसके बेहतरी के शोबे हम इनको डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान की आबोहवा की तब्दीली के हवाले से जो भी यानी कि हसासियत है, तो पाकिस्तान को आबोहवा की तब्दीली के असरात से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में हम देख सकते हैं। और इसके इसके जो मौसमी हालात हैं पाकिस्तान को, इस तरह के यानी फ्लड्स का सामना है पाकिस्तान को, ग्लेशियर के पिघलने का सामना है पाकिस्तान, बाकायदगी से जो है वो बहुत ज़्यादा सैलाबों का सामना करता है पाकिस्तान ने। 2022 का बहुत बड़ा सैलाब आया जिन्होंने लाखों यानी अफराद को बेघर किया। इसके अलावा शुमाली इलाकों में ग्लेशियर के पिघले पानी की फरामी को मुतासर करते हैं, इस तरह के ग्लेशियर का पिघलना और ग्लेशियर जो है झील के फटने के खतरात को भी बढ़ा देते हैं। देन टेम्परेचर एंड ड्राउट, पाकिस्तान इज विटनेस राइजिंग टेम्परेचर विच लीड टू प्रोलॉन्ग ड्राउट्स रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड हीट वेव्स स्पेशली इन साउथर्न रीजन लाइक सिंध एंड बलोचिस्तान। तो इस तरह से यानी कि जो बढ़ते हुए दर्ज हरारत है, खुशकसाली है पाकिस्तान में, बढ़ते दर्ज हरारत की वजह से एक बड़ी खुशकसाली का, ज़रात की पैदावार में कमी का, हीट वेव का सामना है खासतौर पर सिंध और बलोचिस्तान जैसे जनूबी इलाकों के अंदर। देन इसके ऊपर ज़रात के ऊपर भी बड़ा इसका इम्पेक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि ज़रई मुल्क है, ज़रई मईशत है पाकिस्तान की, तो इसलिए फिर आबोहवा की तब्दीली जो है वो बरह रास्त उसकी खुराक की हिफाजत के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। जो भी गैर मुतवक्का यानी कि जो भी अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स हैं वो डैमेज करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, रोजगार को मुतासर करते हैं। और पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो की एलिमेंट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान के जो आबोहवा की तब्दीली के हवाले से जो खारजा पॉलिसी है इसके अंदर यानी कि कुछ एक चंद यानी कि इसमें फैक्टर्स शामिल हैं। तो इसमें जो फैक्टर है सबसे पहले इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड क्लाइमेट एग्रीमेंट्स का है। पाकिस्तान जो है वो आलमी जो आबोहवा की तब्दीली है इसके जो डिबेट्स हैं इसमें बाकी यानी कि हिस्सा लेता है और अहम जो बैन अक्वामी वादे हैं उनका पाकिस्तान उसके ऊपर यानी कि साइन भी करता है। जिस तरह से पेरिस एग्रीमेंट है 2015 में हुआ, पाकिस्तान ने पेरिस वादे की तौसीक की जिसमें इसने आलमी दर्जरत को 37 सतह से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने की कोशिशों के साथ जो है वो पाकिस्तान ने अपनी वाबस्तगी को जाहिर किया। लेकिन पाकिस्तान की ग्रीन हाउस गैस के जो अखराज है उसका हजम जो है वो कई ममालिक के मुकाबले में कम है और इसकी बुनियादी तवज्जो जो है वो अडाप्टेशन है यानी अडाप्टेशन के ऊपर है ना कि मिटिगेशन के ऊपर। देन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP, पाकिस्तान बाकायदगी से सालाना अकवा मुतहदा की मौसमियाती तब्दीलियों के जो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता है ताकि आबोहवा की जो हसासियत है उसके बारे में आवाज़ उठाता रहे, तरक्की जाता ममालिक से मदद तलब करे। देन सीकिंग क्लाइमेट फाइनेंस एंड एड एज अ डेवलपिंग कंट्री विद लिमिटेड रिसोर्सेज, पाकिस्तान रिलाइज हेवीली ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस टू सपोर्ट इट्स क्लाइमेट अडैप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रोग्राम्स। तो मौसमियाती जो यानी कि मालियात है या इमदाद की सर्च है, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है तो इसी के उन्हें डेवलपिंग कंट्री की वजह से पाकिस्तान को महदूद पाकिस्तान के ऊपर वसायल हैं, पाकिस्तान चंद एक वसायल के ऊपर मुनसर कर रहा है मौसमियाती अडाप्टेशन मिटिगेशन प्रोग्रामों के हवामैद के लिए। बैन अक्वामी जो भी यानी मालियात है उसके ऊपर पाकिस्तान को भरोसा करना पड़ता है और इसमें जो है वो यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड है GCP, पाकिस्तानी मौसमियाती जो भाई मनसूबों के लिए बैन अक्वामी फंड से जो मद यानी माली लिहाज से मदद भी मांगी जिनमें काबिल तवनाई भी थी और आफात की रवादारी भी थी। इसके अलावा बायलेटरल मल्टीलेटरल सपोर्ट है, सो पाकिस्तान जो है वो उसने चाइना जर्मनी और आलमी जो बैंक एशियाई तरक्याती बैंक ADB इस तरह के इदारों के साथ मिलकर माली मावनत हासिल की है ताकि जंगलात की बहाली की जा सके, पानी के इंतजाम को बेहतर बनाया जा सके और इसके साथ साथ रिन्यूएबल जो एनर्जी है इसके इस्तेमाल को भी बेहतर बनाया जा सके, तवनाई के मंसूबों के हवाले से काम किया जा सके। फोकस ऑन अडाप्टेशन ओवर मिटिगेशन, तो मिटिगेशन की नस्बत अडाप्टेशन के ऊपर जोर दिया गया। पाकिस्तान के जो आलमी अखराज में यानी कि वो शराकत दारी है कम है तो इसी बिना पर जो खारजा पॉलिसी के अडाप्टेशन के ऊपर तवज्जो दी जाती है यानी आबोहवा की तब्दीली के असरात के लिए तैयारी और इनका इंतजाम किया जाता है। देन डिजास्टर प्रिपेयरनेस, सो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बैन अक्वामी तावन की जरूरत के ऊपर जोर भी दिया जाता है ताकि जो भी यानी कि कुदरती आफात हैं या उनकी जिनके तैयारी है या जो उनकी उसको जो रिस्पॉन्स करने के हवाले से जो भी मेकनिज़म है उसको बेहतर बनाए, जैसे कि खासतौर पर सैलाब खुशकसाली को हीट वेव के तनाजर के अंदर। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज रिलीजेंस को बेहतर बनाना, इसका फोकस ऐसे फंड्स और टेक्नोलॉजीज को महफूज करने के ऊपर होता है जो पाकिस्तान को आबोहवा के खतरात के मुताबिक ढालने में मदद फराहम कर सकते हैं, जैसे कि बेहतर आबपाशी है,
इस तरह से यानी कि इरीगेशन टेक्निक्स को बेहतर बनाना, ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप्स को ऐसी क्रॉप्स बनाना जिस जो खुश्कसाली के खिलाफ यानी कि उनके अंदर कैपेसिटी मौजूद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट टू विदस्टैंड एक्सट्रीम वेदर, तो इस तरह के इकदाम से जो है वो बेहतर माहौल को बनाया जा सकता है। अब जो पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज फॉरेन पॉलिसी के अंदर चैलेंजेस का सामना है, तो इसमें तमाम कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी अब हवा की तब्दीली के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है। इनसफिशियंट क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, नाकाफी मौसमी मालियात है, यानी पाकिस्तान बैन अक्वामी मौसमियाती मालियात को तलाश करने की कोशिश कर रहा है और इसकी जो हासिल करने के लिए यानी कि इमदाद को जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि मौसमियाती चैलेंज से वो निमट सके, उसका सामना कर सके। और इस तरह के जो इसके अलावा जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, जैसा कि मैकेनिज्म से फंड तक रसाई है अफसूस और ब्यूरोक्रेटिक होती है। देन फंडिंग गैप्स पाकिस्तान एडाप्टेशन नीड फॉर आउट विद द फाइनेंशियल सपोर्ट इट रिसीव्स लीडिंग टू डिले इन क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट, तो पाकिस्तान की अडाप्टेशन की जो जरूरियात है वो माली मदद से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से मौसम जो मौसमियाती रवादारी के मनसूबे हैं इनमें काफी ताखीर हो जाती है, डिले हो जाता है। इसके अलावा लैक ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी कैपेसिटी है, यानी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में मौसमियाती तब्दीली के जो मजाकरात के हल है के लिए यानी मखसूस तौर पर काफी जो सफारती वसाइल हैं उनकी कमी है। सो क्लाइमेट डिप्लोमेसी बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान नीड्स मोर ट्रेन डिप्लोमेट्स एंड एक्सपर्ट्स हु कैन एडवोकेट इफेक्टिवली फॉर द कंट्री क्लाइमेट इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल फोरम्स, तो इस तरह से जो सफारतकार हैं माहरीन हैं उनकी ज़रूरत है जो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर मुल्क के मौसमियाती मफादात के हवाले से यानी कि अपना मौकफ दे सकें और पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकें। तो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसने बैन अक्वामी मौसमियाती मुआहदों में शिरकत की मौसमियाती यानी माली लिहाज से उसको डिस्कवर करने की, उसको सर्च करने की कोशिश की ताकि जो नाकाफी मालियात हैं, महदूद सफारती सलाहियत हैं, सियासी अदा में सकाम है, इस तरह की जो मुश्किलात हैं वो यानी कि इसकी तरक्की में रुकावट ना बने और अब हवा की तब्दीली का मौसर पर मुकाबला किया जा सके, अपने पाकिस्तान को अपनी मौसमियाती तो जो भी यानी कि सफारतकारी है उसको मजबूत बनाने के लिए, इसके अलावा जो है वो अपने जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इसको सिक्योर करने की यानी कि पाकिस्तान को जरूरत है। और पाकिस्तान जो अडाप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट दोनों के ऊपर यानी कि फोकस करता है, सो बाय डूइंग सो पाकिस्तान कैन बेटर प्रोटेक्ट इट्स पीपल एंड एनवायरनमेंट वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, यानी अडाप्टेशन मिटिगेशन की कोशिशों पर तवज्जो देनी चाहिए पाकिस्तान को और इस तरह पाकिस्तान अपने लोगों को माहौल की बेहतर हिफाजत कर सकेगा, अपने लोगों की बेहतर हिफाजत कर सकेगा, आलमी मौसमियाती जो मैयर्स हैं उनके इकदाम हैं उन्हें अपना किरदार अदा कर सकेगा। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ इमर्जिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान उभरते हुए पानी के तनाजात की वजूहत क्या है। सो वाटर इज बिकमिंग अ मेजर इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड, क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ कोऑपरेशन ओवर शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज, बोथ कंट्रीज रिलाई हेवीली ऑन रिवर्स दैट फ्लो अक्रॉस देयर बॉर्डर्स एंड डिस्प्यूट्स ओवर वाटर यूजेज कुड एस्केलेट इनटू अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, तो इस तरह से जो पानी जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान एक अहम मसला बनता जा रहा है जिसकी वजह बढ़ती हुई तलब है, आब हवा की तब्दीली है, मुश्तरक आबी वसाइल हैं, इसके इनमें तावन की कमी है, दूसरे दोनों के ममालिक के दरमियान दोनों ममालिक इन दरियाओं पर बड़ी हद तक इन्हसार करते हैं जो उनकी सरहदों के पार बहते हैं और पानी के इस्तेमाल के हवाले से तनाजात जो है वो काफ़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान पाकिस्तान को जो है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने की ज़रूरत है ताकि बेहतर बनाया जा सके पानी के इस्तेमाल को। तो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं जिनके पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान तनाव का जो बुनियादी जिनकी वजह है वो शेयर्ड रिवर्स हैं जो दोनों ममालिक से गुजरते हैं, खासतौर पर जिस तरह से काबुल दरिया है, तो ये जो दरिया हैं ये दोनों कौमों के लिए ज़राअत और पीने के पानी और बिजली की पैदावार के लिए बहुत अहम है। देन काबुल रिवर बेसन, तो जो काबुल दरिया की यानी कि बेस है, जो काबुल दरिया अफगानिस्तान से निकलता है और पाकिस्तान में दाखिल होकर इंडस दरिया में फिर ये मिल जाता है और इट इज़ अ क्रिटिकल वाटर सोर्स फॉर बोथ काबुल एंड पेशावर टू मेजर सिटीज, पाकिस्तान यानी कि काबुल पेशावर जैसे जो बड़े शहर हैं इनके लिए काफ़ी ये अहम है डिपेंडेंस ऑन रिवर वाटर। और इसके इसमें जो पाकिस्तान है एक ज़रिए मईशत है आबपाशी के लिए पानी के ऊपर इंसार करता है, अफगानिस्तान जंगों के बाद अपनी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी उसको दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी पानी की ज़रूरियात भी इसके साथ साथ बढ़ रही हैं। तो दोनों ममालिक के दरमियान जो है यानी कि वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट की कमी है और ये दोनों ममालिक के दरमियान इस टेंशन को कम कर सकता है अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है। तो देन इंक्रीजिंग वाटर डिमांड, तो अब दोनों ममालिक की जो है वो वाटर के हवाले से डिमांड बढ़ रही है
और दोनों मुल्क की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है और ज़रात की ज़रूरत यानी कि भी सामना कर रहे हैं दोनों ममालिक ज़रात की ज़रूरियात का, तो उनके वसाइल के ऊपर मज़ीद दबाव पड़ रहा है। तो अफगानिस्तान ग्रोइंग वाटर नीड्स, जैसे जैसे अफगानिस्तान अपने ज़रात और जो सनती शोबे हैं उनकी उनके तरक्की कर रहे हैं, तो वो काबिल दरिया से जो पानी है इस्तेमाल करने का मनसूबा बना रहा है, तो इससे पाकिस्तान की तरफ जो पानी की मकदार है उसमें कमी हो सकती है, जिसे जिस पर इस्लामाबाद में काफ़ी इसके हवाले से खदशात भी हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तान डिपेंडेंस ऑन इरीगेशन, यानी पाकिस्तान काबिल दरिया से पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा इसार करता है ताकि खासतौर पर केपीके के इलाके में अपनी ज़राई ज़मीनों को सराब कर सके, यानी उनको उनकी आपाशी कर सके। तो इस तरह से अफगानिस्तान की तरफ से जो पानी की फरहमी है उसमें कमी पाकिस्तान की ज़रात को पाकिस्तान की खुराक की हिफाजत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है। तो पानी की तकसीम का मैदा यानी कि कमी है पानी के तनाजात के इंतजाम में सबसे बड़ा बड़ी चैलेंज जो है वो पानी की तकसीम जो है वो तकसीम है, और किस तरह से पानी की तकसीम की जाए इसके लिए बाकायदा एक माहदे की ज़रूरत है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है। सो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट की होना चाहिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ताकि इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जा सके। नो ट्रीटी लाइक इंडस वाटर ट्रीटी, यानी पाकिस्तान के साथ भारत के जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई कानूनी तौर पर मुआहदा नहीं है। तो पानी के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है एक मुआहदा है पानी की तकसीम के ऊपर, जिसकी वजह से जो है कन्फ्लिक्ट इतने इस हवाले से नहीं आते, लेकिन अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का पानी के हवाले से कोई बाकायदा मुआहदा नहीं है। तो इसी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान काफ़ी पानी के मसले के ऊपर तनाजात हैं, और इसके अलावा जो है वो मैदे की अदम मौजूदगी की वजह से अफगानिस्तान के पास जो डैम बनाने और पानी जो है पानी को मोड़ने की भी आज़ादी है, जिससे पानी की फरहमी पाकिस्तान के लिए मुतासर हो सकती है। इसने पाकिस्तान की जाने पानी की कमी को पानी की कमी के हवाले खदशात को बढ़ाया है। देन अफगानिस्तान ने डैम देन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान हैज स्टार्टेड बिल्डिंग सीरियल डैम्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन द काबुल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज व्हिच कुड रिड्यूस वाटर फ्लो इनटू पाकिस्तान कमाल खान डैम। तो इसमें जो है अफगानिस्तान ने काबुल दरिया को और इसके मावन दरियों पर काफ़ी जो कई डैम बनाए हाइड्रो पावर मनसूबे शुरू किए हैं जो पाकिस्तान में कमी की फरहमी का बायस बन सकते हैं। जिस तरह से कमाल खान डैम है, ये डैम हेलमंद दरिया के ऊपर है और इसे जिसने पहले ही ईरान के साथ पानी के बहाव के ऊपर तनाजा पैदा किया हुआ है। सो सिमिलर प्रोजेक्ट्स ऑन द काबुल रिवर कुड लीड टू फ्रिक्शन विद पाकिस्तान, ऐसे ही मनसूबे पाकिस्तान के साथ तनाव पैदा कर सकते हैं। देन शाहतूत डैम मनसूबा है, यानी अफगानिस्तान काबुल दरिया के ऊपर शाहतूत डैम बनाने का इरादा रखता है जो काबुल शहर को अपने पानी फराहम करेगा, लेकिन पाकिस्तान पानी की फरहमी की कमी हो सकती है और इसकी वजह ये बन सकता है तो पानी के तनाजे को मजीद यानी कि बढ़ा सकता है। तो इस तरह से यानी कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यानी कि अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए काफ़ी पाकिस्तान के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से बहुत परेशानी का सामना एक यानी कि वजह बन सकते हैं। देन क्लाइमेट चेंज एंड वाटर स्कार्सिटी, और इस जो हिंदू कश यानी कि हिंदू कश और हिमालय के ग्लेशियर्स हैं वो दोनों मालिक में दरियों को पानी का फराहम करते हैं, आलमी दर्जरत में इजाफे की वजह से तेजी से पिघल रहे हैं। सो दिस कुड लीड टू इररेगुलर वाटर फ्लो विद टू मच वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड 2 लीटर ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स, तो इससे पानी के बहाव में बाकायदगी भी यानी पैदा हो सकती है और इस तरह से आलमी दर्जरत की वजह से तेजी से पिघल भी रहे हैं और इसके अंदर इररेगुलरिटी भी है। और इसके अलावा ड्राउट्स और अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल यानी खुश्क सालियाँ हैं, गैर मुतवक्क बारिशें हैं, दोनों मालिक पहले ही खुश्क सालियों का गैर मुतवक्क बारिशों के पैटर्न का सामना कर रहे हैं। तो फिर जैसे जैसे जो है वो पानी के जो यानी कि अभी के पानी के वसाइल हैं उनमें कमी बढ़ती है, पानी के लिए मुकाबला बढ़ सकता है, जिससे अफगानिस्तान के दरमियान मजीद जो है वो तनाव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो पानी के तनाज़े के पीछे जो भी अवामिल हैं उनमें यानी कि वो वजह जो वामिल जो फैक्टर्स हैं वो दरियाई निज़ाम का एक मुशतरका होना है, बढ़ती हुई पानी की तलब है दोनों मालिक की क्योंकि दोनों मालिक की आबादी बढ़ रही है। सो इस तरह से जो फार्मल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट की कमी है, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ये तमाम चीज़ें जो है वो तनाज़े का बायस हैं और पानी की कमी का बायस हैं। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो डैम के मनसूबे हैं पाकिस्तान के ज़रूरियात पानी के मसाइल को मज़ीद कम्प्लेक्स बना रहे हैं। अगर मुनासिब बातचीत और तामा नहीं हुआ तो ये तनाव संगीन तनाजे में बदल सकता है। सो विदाउट प्रॉपर डायलॉग एंड कोऑपरेशन दिस टेंशन कुड एस्केलेट इनटू सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स, टू अवॉइड दिस बोथ कंट्रीज मस्ट एंगेज इन मीनिंगफुल नेगोशिएशंस कंसीडरिंग साइनिंग अ वाटर शेयरिंग ट्रीटी एंड इन्वॉल्व रीजनल एक्टर्स टू मैनेज देयर शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज पीसफुली एंड सस्टेनेबिलिटी।
दोनों ममालिक को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, पानी की तकसीम का मुआहदा करने के ऊपर गौर करना चाहिए, अपने मुश्तरक आबी वसाइल का पुरअमन और पायदार तरीके से हल निकाला जाए। दोनों जने ममालिक के जो भी इनके अंदर जने स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल हों इस मुआहदे के अंदर, ताकि इस तनाज़े को कम किया जा सके। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस नेशनल एनर्जी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपैक साइन इन 2015। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम्ड एट इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड एनर्जी कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान साइन इन 2015। सीपैक हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर व्हिच हैज लॉन्ग स्ट्रगल्ड विद शॉर्टेजेस एंड इनएफिशिएंसीज। तो जो कौमी तमन्नी पॉलिसी है पाकिस्तान के सीपैक के तनाजर में, तो सीपैक जो है एक बड़ा तरक्याती मनसूबा है चाइना का और पाकिस्तान के दरमियान, तो जिसका मकसद चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रेड को, तमन्नी के शोबों को बेहतर बनाना है। 2015 में दस्तखत किए जाने के बाद सीपैक ने पाकिस्तान के तमन्नी के शोबे में काफ़ी असर डाला, जो बड़े अरसे से काफ़ी कमी और काफ़ी यानी कि नाकारगी का शिकार का था। तो पाकिस्तान की कौमी जो तवानाई पॉलिसी है सीपैक से मुतासर हुई है, तो उसका मकसद मुल्क की तवानाई के बहरान को हल करना है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी तवानाई के बहरान का सामना कर रहा है और बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जदीद बनाना है। ये दोनों ममालिक का मकासद है। और इसके अलावा अब एनर्जी क्राइसिस की अगर हम देखें तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तवानाई के बहरान का सामना है, जिसके नतीजे में बार बार बिजली बंद होती है, यानी लोड शेडिंग वगैरह होती है, पाकिस्तान को इकतसादी नुकसान करना होना यानी कि देखना पड़ता है, जिन उसके पाकिस्तान के सनत के लिए, पाकिस्तान के जो घरों के लिए काफ़ी चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। तो इस तरह से इश्यूज़ के तवानाई के बहरान के अंदर शामिल जो है मसाइल इनको एड्रेस करना ज़रूरी है। जिस तरह से एनर्जी शॉर्टफॉल है, यानी पाकिस्तान में बिजली की तलब हमेशा सप्लाई से ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। देन डिपेंड ऑन इंपैक्ट ऑफ फ्यूल, यानी कि जो मुल्क बिजली की पैदावार के लिए शदीद तौर पर जो है वो दरामद शुदा जो ईंधन होता है उसके ऊपर इंसार करता है, जो फिर इसकी कीमत भी ज़्यादा बढ़ जाती है आलमी कीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से। और इसके बाद इसकी एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी पाकिस्तान का तवानाई का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें पावर प्लांट्स हैं और ट्रांसमिशन नेटवर्क्स हैं, तो वो पुराना है और नकारा है। तो पाकिस्तान को यानी कि बेहतर बनाने की ज़रूरत है इस पावर प्लांट्स को, इन ट्रांसमिशन नेटवर्क्स को। लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी यूज़, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो तवानाई का इस्तेमाल है वो महदूद किया जाए। पाकिस्तान ने सूरज, हवा, हाइड्रो पावर जैसे जो भी काबिल तजदीद तवानाई के ज़रा हैं उनको अपनाने में काफ़ी सुस्त रवि का मुजाहरा किया है। तो इसकी वजह से फिर पाकिस्तान को काफ़ी तवानाई के हवाले से बहरान का सामना है। और पाकिस्तान के अंदर जो सीपैक है उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए है, तमाम शोबों के लिए काबिल एतमाद है और सस्ती तवानाई की जमानत यानी कि ये सीपैक है। और सीपैक और पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी पाकिस्तान को जो तवानाई के चैलेंजेस हैं वो सीपैक निपटने में मदद देने में अहम किरदार अदा करता है। इसके तहत सीपैक के तहत चाइना पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में बड़ा सरमायाकारी भी कर रहा है, बिजली की पैदावार में इजाफा भी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर, फिर मुतबादल तवानाई के ज़राए को भी प्रमोट करने के ऊपर तवज्जो दे रहा है। एनर्जी प्रोजेक्ट्स अंडर सीपैक अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सीपैक इन्वेस्टमेंट्स एलोकेटेड टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, दीज प्रोजेक्ट्स टू ऐड थाउजेंड्स ऑफ द मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान नेशनल ग्रिड। तो सीपैक के तहत जो तवानाई के मनसूबे हैं इनकी सरमाकारी का बड़ा हिस्सा जो है वो तवानाई के मनसूबे के लिए मुख्तस किया गया है। इन मनसूबों का मकसद क्या है? पाकिस्तान के ग्रिड में हज़ारों मेगावाट बिजली का इजाफा करना। तो जो सीपैक के तहत कई कोयला से चलने वाले पावर प्लांट्स तमीर किए गए हैं, जैसे कि पोर्ट कासिम है, साहिवाल पावर प्लांट्स है। ये प्लांट्स जो है फौरी तवानाई की कमी को पूरा करने में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो सीपैक में हाइड्रो पावर मंसूबे भी शामिल हैं, जैसे कि रुकावट हाइड्रो पावर प्लांट, जिसके अंदर यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर यानी कि जो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं उसके अंदर कारोट हाइड्रो पावर प्लांट है, पाकिस्तान को साफ और काबिल तजदीद तवानाई पैदा करने में मदद देता है। देन सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स, चाइना इज इन्वेस्टिंग इन सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स टू बूस्ट पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सच एज कायद आजम सोलर पार्क इन पंजाब। इसके अलावा यानी कि झम्पर वेंड कॉरिडोर है, तो ये मनसूबे पाकिस्तान की तवानाई के जो भी यानी कि मनसूबे हैं या महंगे पाकिस्तान की तवानाई के हवाले से यानी कि जो भी महंगे दरामदशुदा ईंधन है इसके ऊपर इंसार काम करने और इसके साथ साथ पायदार तरक्की तवानाई की तरक्की के अंदर यानी हल फ्राहम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो सीपैक के ऊपर काफ़ी सीपैक को मुकम्मल करने के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और इसके ऊपर तनकीद भी की जाती है। सीपैक पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में
ضروری سرمایہ کاری بھی دے رہا ہے لیکن بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے. یعنی بہت سے سی پیک توانائی کے منصوبے, خاص طور پر کوئلہ سے چلنے والے پاور پلانٹس ہیں, اس نے ماحولیات کے اوپر کافی اثر ڈالا. آلودگی کے بارے میں کافی خدشات پائے جاتے ہیں. پھر کوئلے کا اخراج ہے, یعنی کہ کوئلہ جو کہ پاور پلانٹ جو ہیں وہ توانائی کی کمی کو حل کرنے میں مدد کرتے ہیں, لیکن ہوا کی آلودگی اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں بھی اضافہ کرتے ہیں. اوور آل اس وقت تو جو گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہے اس حوالے سے پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے یعنی کہ اس میں بہت کم ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کی طرف سے بہت ہی کم گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہوتا ہے اور باقی ممالک کے مقابلے میں. تو اس کے علاوہ لیکن اس حوالے سے کافی خطرات موجود ہیں, یہ کہ ماحول کو ہوا کو آلودہ کر سکتا ہے. دا نیڈ فار مور رینیوبل, یعنی جو اس کے حوالے سے جو یعنی کہ کریٹیسائز کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بڑی مدت تک ایک پائیداری حاصل کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے. دین ڈیٹ اینڈ فائنینشیل کنسرن بھی ہیں اس کے حوالے سے, قرض اور مالی خدشات ہیں منصوبوں کے لیے. چائنا کے جو قرضوں کے اوپر یعنی جو ہے وہ بھاری انحصار ہے, وہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے قرضے کے بوجھ کے بارے میں خدشات بھی پیدا کر رہا ہے. تو اس طرح سے پاکستان کی چین کی طرف سے جو قرضے پاکستان کو دیے جاتے ہیں, مالی سرمایہ کاری ہے, وہ بھی پاکستان کو واپس کرنی ہوگی. جو اگر منصوبے مناسب آمدنی نہ پیدا کریں تو پھر تو ملکی معیشت کے اوپر کافی اس کی وجہ سے بوجھ بڑھ سکتا ہے. تو پاکستان کی توانائی کی پالیسی سی پیک کے اثرات سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اور جو 2015 میں یہ سی پیک دستخط کیا گیا تھا, سی پیک کے لیے پاکستان نے اپنی توانائی کی پیداوار میں صلاحیت میں اضافہ کیا, توانائی کے اندر کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے, بیسک انفراسٹرکچر میں بہتری کی ہے. اس کے اساتذہ جو ہے وہ یعنی کہ بہت سارے اس کے علاوہ انوائرمنٹل کنسرن کا فائنینشیل رسک بھی رہے ہیں. پاکستان کو ان چیلنجز کا سامنا رہا ہے. سی پیک پاکستان کے انرجی کرائسس کو ہیلپ کرنے میں کافی یعنی کہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. پھر فیوچر گروتھ کے فاؤنڈیشن میں اس نے اپنا رول پلے کیا ہے. اس طرح لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کو سیکیور کرنے کے لیے پاکستان مسٹ کنٹینیو ٹو فوکس آن رینیوبل انرجی. پاکستان کو اپنے رینیوبل انرجی کے اوپر فوکس کرنا ہوگا, اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا ہوگا, اپنے جو قرضے کی مینجمنٹ ہے اس کو یعنی کہ بہتر بنانا ہوگا. اور نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, واٹ از پینڈیمک, ہاؤ کین دا پینڈیمک مینجمنٹ سرجری بی پارٹ آف دا گورنمنٹ سسٹم آف دا پاکستان. وبائی امراض کیا ہیں؟ وبائی جو امراض ہیں وہ ایک عالمی بیماری کی وبا ہے, جو یعنی کہ جو وبائی مرض ہے وہ ایک عالمی بیماری کی وبا ہے جو مختلف ممالک اور بر اعظم میں پھیلتی ہے, بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کرتی ہے. اور وبائی جو امراض ہیں وہ عام طور پر کئی بیماریوں سے متعلق بھی ہوتی ہیں, جیسا کہ وائرس ہے جو آسانی سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتا ہے. وبائی امراض کا اثر جو ہے وہ علاقائی یا مخصوص آبادیوں تک محدود نہیں ہوتا, بلکہ اس کا اثر پوری دنیا کے اوپر ہوتا ہے. اگر ہم ایگزامپل لیں COVID-19 کی, تو جو کہ 2019-2023 تک رہا, تو COVID-19 کی جو مرض ہے وہ نئے کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہوا اور اسی نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا. دین اس کے علاوہ انفلوئنزا ہے, یعنی H1N1 انفلوئنزا جو کہ 2009 میں آیا تھا, جسے سوئن فلو یعنی کہ بھی کہتے ہیں. 200 سے زائد یعنی کہ اس کے اندر یعنی کہ سوئن فلو تھے, اور اس نے وبائی جو مرض تھے جو وبائی مرض ہے وہ کئی ممالک میں پھیلا. پھر اس کے علاوہ ہسپانوی فلو تھا, اسپینش فلو, وہ 1918-1919 میں تھا, تاریخ کی سب سے مہلک وبائی امراض میں سے تھا, جس نے دنیا بھر میں لاکھوں یعنی کہ لوگوں کو ہلاک کیا. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے, ہاؤ کین پینڈیمک مینجمنٹ بی پارٹ آف پاکستان گورننس سسٹم, یعنی پاکستان کی جو گورنمنٹ سسٹم, پاکستان کا گورنمنٹ کا سسٹم, حکومتی نظام ہے, اس میں وبائی امراض کے انتظام میں حکمت عملی کیسے شامل ہوتی ہے, تو کیسے شامل کی جائے. سو وبائی امراض کا مؤثر انتظام جو ہے ملک پر صحت, معیشت, سماجی اثرات کو کام کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے, اور پاکستان اپنے حکومتی نظام میں وبائی امراض کے انتظام کو شامل کرنے کے لیے جو ایک جامع اور ایک ویل کوآرڈینیٹڈ جو اسٹریٹجی ہے وہ اپنائے. تو اس طرح سے ہمارے سے ہم کچھ کی اسٹیپس دیکھتے ہیں. اس میں اسٹیبلشنگ اے سینٹرل پینڈیمک رسپانس اتھارٹی, نیشنل پینڈیمک پریپیئرنیس کمیٹی, یعنی کہ قومی وبائی تیاری, یعنی کہ وبائی تیاری کمیٹی ہو, یعنی پاکستان کو مخصوص قومی وبائی تیاری کمیٹی قائم کرنی چاہیے جو مرکزی حکومت کے تحت کام بھی کرے. یہ ادارہ ملک کے وبائی امراض کے کو جواب میں منصوبہ بندی کرے, عمل درآمدی کے اوپر عملداری کے اوپر یعنی کہ جو ہے عمل کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز ہیں یعنی جو یہ کمیٹیاں بیماری کی وباؤں کی نگرانی کریں, قومی صحت کی پالیسیوں کو بھی بنائیں, اور دین سیٹنگ نیشنل ہیلتھ پالیسیز, انشورنگ ریسورسز آر ان پلیس ٹو ہینڈل ایمرجنسیز, ہنگامی حالات کے وسائل کی فراہمی کے ذمہ دار
होनी चाहिए। देन कोऑर्डिनेशन विद प्रोविंसेस इदारा, ये इदारा सूबाई हुकूमतों के साथ करीबी तावन करे ताकि मुल्क भर में जो जवाब में यकसानियत और तसलसल को यकीनी बनाया जाए, कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाया जाए। देन इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर EOC कायम किए जाने चाहिए जो वबा की सूरत में मालूम जमा करें, इंस्ट्रक्शन दें, देने इसके साथ साथ गाइडलाइंस इशू करें, मोबिलाइज करें रिसोर्सेज को इन द इवेंट ऑफ पेंडेमिक। सो दिस वुड इंश्योर क्विक डिसीजन मेकिंग एंड वेल कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, इन वसाइल को मुतारक करना मरकज एजेंट के मुतारक करना जरूरी है, और इसके अलावा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना जरूरी है। मौसर वबाई अमराज के इंतजाम के लिए पाकिस्तान को अपने सेहत की देखभाल के निज़ाम में सरमायाकारी करनी चाहिए। अपने जो है सेहत के बहरान जो है उसको उसके दौरान जो भी तलब है बढ़ती हुई उसको बेहतर बनाया जाए। देन एक्सपेंडिंग हॉस्पिटल कैपेसिटी, और इस तरह से जो मॉडर्न आइसोलेशन वार्ड्स हैं यानी कि अस्पताल के अंदर इजाफा किया जाए, अस्पतालों में कई बीमारियों के मरीजों के लिए मखसूस अलग वार्ड्स होने चाहिए, और जिस तरह से जिनमें ज़रूरी सामान भी होना चाहिए, वेंटिलेटर्स होने चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, ज़ाती हिफाजती सामान होना चाहिए, और इस तरह से बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज़ यानी पाकिस्तान खासतौर पर जो पाकिस्तान के देहाती इलाके उनमें जो मजीद अवामी अस्पताल बनाने चाहिए ताकि वबाओं के दौरान जो है वो सेहत की देखभाल तक बेहतर रसाई जो है वो की जा सके। देन ट्रेनिंग हेल्थ केयर वर्कर स्पेशलाइज ट्रेनिंग मेंटल हेल्थ सपोर्ट, तो डॉक्टर्स नर्सिस और जो पैरामेडिकल जो भी स्टाफ है उसको वबाई अमराज से निपटने के लिए खसूसी तरबियत दी जानी चाहिए, जिसमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, मरीज की देखभाल करना है, या जाती भी जो इस्तेमाल का सामान आता है उसको बेहतर बनाना। देन मेंटल हेल्थ सपोर्ट है यानी कि जो भी सेहत के जो भी कारकुन हैं उनमें जहनी सेहत की मदद फराम की जानी चाहिए ताकि वबा के दौरान काम करने के दबाव और जज्बाती बोझ का वो मुकाबला कर सकें, यानी कि इमोशनल टूल उनके पास होना चाहिए। और देन स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस, तो इसमें जो है वो इसके अंदर अवामी सेहत की निगरानी को भी मजबूत बनाया जाना चाहिए। वबाओं की जो इब्तदाई शनाख्त है उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को कई बीमारियों की निगरानी करनी चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए, कंट्रोल के लिए एक मजबूत निज़ाम बनाना हो चाहिए। देन डेटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग, तो कौमी बीमारी की निगरानी का निज़ाम कायम किया जाना चाहिए। हेल्थ अथॉरिटीज शुड कंटिन्यूसली मॉनिटर दिस डेटा टू आइडेंटिफाई एनी अनयूजुअल पैटर्न्स और डिजीज क्लस्टर्स दैट कुड इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द पेंडेमिक। और इस तरह से जो है सेहत के जो जो भी अस्पताल हैं या लेबॉरटरीज हैं उनको वो कई यानी कि बीमारियों के नए केसेस की उनको उनके बेहतर उनको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, इसके हवाले से हुकूमत को जो भी उभरते हुए खतरा के खिलाफ जो है फौरी जवाब देने के फिर इस यानी कि उसके अंदर हेल्प करेगी और इसको काबिल बनाएगी। तो इस तरह के इकदाम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वबाई अमराज के इंतज़ाम को पाकिस्तान के हुकूमती निज़ाम का मुस्तकिल हिस्सा होना चाहिए ताकि जो भी अवामी सेहत है और उसकी हिफाजत की जा सके, और जो यानी कि मुस्तकिल जो यानी कि फ्यूचर क्राइसिस हैं बहरान हैं इनका मुकाबला किया जा सके बाई एस्टेब्लिशिंग डेडिकेटेड पेंडेमिक रिस्पॉन्स अथॉरिटी, इम्प्रूविंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड कोलाबरेटिंग विद इंटरनेशनल पार्टनर्स, पाकिस्तान कैंसर सेंटर स्टेबिलिटी टू मैनेज पेंडेमिक इफेक्टिवली, प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च सर्वेलेंस इन हेल्थ केयर कैपेसिटी विल इंश्योर पाकिस्तान इज बेटर प्रिपेयर टू हैंडल फ्यूचर पेंडेमिक्स एंड प्रोटेक्ट द वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजंस। तो मुस्तकबिल के बहरानों को इक्तसादी और समाजी असरात को कम किया जाए, एक मखसूस वबाई यानी कि जवाब देने के लिए रिस्पॉन्स देने के लिए इदारों का क्याम होना चाहिए, सेहत की देखभाल के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, आवाम के अंदर जो भी सेंस है वबाई अमराज के हवाले से उसको प्रमोट किया जाए जो ताकि बेहतर तरीके से जो है वो इसके से निपटा जा सके, इस तरह के वबाई अमराज को माशरे से मुल्क से ख़त्म किया जा सके, क्योंकि इस तरह के वबाई अमराज के न सिर्फ इंसानी सेहत के ऊपर बल्कि एक मुल्क की मईशत के ऊपर भी बड़ा गहरा असर डालते हैं, जिस तरह से COVID-19 ने दुनिया की मईशत के ऊपर बहुत यानी कि नेगेटिव असर डाला, ट्रांसपोर्टेशन रुक गई और जो भी तरसील का निज़ाम था जहाँ बरामदात थी वो रुक गई, इस तरह से यानी कि बहुत ही आलमी मंडी के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। तो इस तरह से यानी कि सेहत के अलावा भी मईशत के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, तो एक मुल्क को जो है वो इसके बारे में मोहतात होना चाहिए। तो पाकिस्तान को अपने वबाई अमराज के मौसम इंतजाम की सलाहियत को मजबूत बनाना चाहिए, इसमें मनसूबाबंदी की जाए बेहतर, और इसके साथ साथ तहकीक की जाए, निगरानी की जाए, सेहत की देखभाल की सहूलतों में सरमायाकारी यकीनी होनी चाहिए,
पाकिस्तान के जो मुस्तकिल वबाओं का मुसर अंदाज में मुकाबला करना उसको चाहिए और अपने शहरों की भलाई का तहफ़ करने के लिए बेहतर तौर पर मनसूबाबंदी की जरूरत है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई एंड व्हेन वाज द ब्रिक्स एस्टेब्लिश्ड, व्हिच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द ब्रिक्स, व्हाई एंड व्हेन वाज ब्रिक्स एस्टेब्लिश्ड। तो इसमें जो है यानी कि पाकिस्तान के सो ब्रिक्स कब और क्यों और कब कायम हुआ और ब्रिक्स में कौन से ममालिक शामिल हैं, तो इसका जो है पर्पस हम देखेंगे। तो एक बैन अक्वामी यह ग्रुप है जिसमें बढ़ते हुए जो मुआशी निज़ाम वाले ममालिक शामिल हैं, जो ग्रुप जो है वो इक्तसादी जो भी तामन है, पॉलिटिकल डायलॉग है, डेवलपमेंट है, तो इन ममालिक के दरमियान होती है, इसको प्रमोट करने के लिए हो, इसका बुनियादी मकसद यानी कि ये ब्रिक्स का ये था, देन इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो इसके जो रुकन ममालिक है उनके मुआशी तरक्की की हमायत करना, फिर आलमी बैंक और बैन अक्वामी मालियाती फंड IMF से मगरबी इदारों के ऊपर इनसार को कम करता है, फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस है यानी कि जो भी अलमी मुआशी या सियासी मामलात में अपने रुकन ममालिक की मुश्तर का जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाता है, देन इसके अलावा कोऑपरेशन इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी आलमी मीशत और सियासी मामलात में अपने रुकन ममालिक मुश्तर का इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है। सो इस तरह से जो है इसका मकसद जो है वो मंडियों और तरक्की पजीर ममालिक को आलमी सतह के ऊपर ज़्यादा मजबूत आवाज़ देना है, देन व्हेन वाज ब्रिक्स एस्टेब्लिश्ड, तो सरकारी तौर पर 2009 में कायम किया गया जिसे यानी कि ब्रिक कहा गया है इब्तदा में उसे, जिसमें चार ममालिक शामिल थे ब्राज़ील इसके अंदर और रूस, इंडिया और चाइना, ये इब्तदा में ममालिक शामिल थे, इन ममालिक को उनकी तेज़ी से बढ़ती हुई जो मईशत है, आलमी तजारत है, मालियात है, इसमें बढ़ती हुई अहमियत की वजह से इकट्ठा किया गया था। फिर 2010 के अंदर जनूबी अफ्रीका और इसमें यानी कि ग्रुप में शामिल हुआ था, फिर इसका नाम यानी कि ब्रिक्स रखा गया, तो इसमें जो है वो पांच बड़े बढ़ते हुए जो मुआशी निज़ाम वाले ममालिक हैं वो शामिल हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ खितों की नुमाइंदगी भी करते हैं, जिसमें ब्राज़ील है और इसका जो खिता है वो जनूबी अमेरिका है, और इसके साथ साथ इसका मुआशी किरदार है वो ब्राज़ील ज़रअ मसनूआत मादनियात और तवानाई का बड़ा पैदावार मुल्क है, इसकी मईशत बड़ी है जो सियाली मईशत में अहम प्लेयर भी बनाती है, और रशिया जो इसका जो खिता है वो यूरोप है, और इसका जो इकोनॉमिक रोल है वो रूस दुनिया के सबसे बड़े तवानाई पैदा करने वाले ममालिक में से एक है, तो खासतौर पर तेल और कुदरती गैस में, तो इसका आलमी सियासी मामलों में बहुत अहम किरदार है। फिर तीसरा जो है वो इंडिया है, इंडिया जो है वो इसका खिता जो है वो यानी जनूबी एशिया है, और भारत दुनिया की तेज तरीन बढ़ती हुई मईशतों में से एक है, जिसकी बड़ी आबादी और मजबूत टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेक्टर है, ये मुल्क तेजी से एक मैनुफैक्चरिंग मरकज भी यानी कि ये बन रहा है और एक मैनुफैक्चरिंग हब भी है, और इस तरह से चाइना है जो था इसका जो है वो खिता जो है वो मशरकी एशिया है, और इसका इकोनॉमिक रोल क्या है, दुनिया की सब दूसरी बड़ी मईशत है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट और तकनीकी जो भी यानी कि सलाहियत है उसमें काफ़ी यानी कि एक बड़े मुल्क के तौर पर रिप्रेजेंट करता है, तजारत और सरमाकारी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। फिर पाँचवा मुल्क साउथ अफ्रीका है, इसका जो खिता है वो अफ्रीका है, और जनूबी अफ्रीका अफ्रीका की सबसे तरक्की याफ्ता मईशत है और बरेआज़म की तजारत और सरमाकार में मरकजी किरदार अदा करता है, ये मादनी मसाल से माला माल है, मादनियात का बड़ा यानी कि एक मादनियात को एक बड़ा जो एक्सपोर्टर भी है। देन की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके ब्रिक्स के, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसमें यानी कि ब्रिक्स अपने रुकन ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को, तिजारत को, सरमायाकारी को और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने में तावन करता है, प्रमोट करता है। फिर पॉलिटिकल डायलॉग है, तो इसमें आलमी मसाइल जैसे मौसमियाती तब्दीली है, अमन है, सलामती है, इसके ऊपर सियासी गुफ्तगू और तावन के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो देता है। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं यानी कि ब्रिक्स में आलमी मसाइल जैसे मौसमियाती तब्दीली है, अमन है, सलामती के ऊपर सियासी गुफ्तगू है और तावन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म देता है, और इसमें जो यानी कि मालियाती इदारे हैं यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है NDB कायम किया गया ताकि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे तरक्याती इकदाम की माली तौर पर मदद की जा सके। मगरबी इदारे जिस तरह से आलमी बैंक है उसके ऊपर इन असार को कम किया जा सके। उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज है, ब्रिक्स अपने रुकन ममालिक के दरमियान सकाफती तबादलों को अवामी रबते को फ़रोग देता है ताकि दूसरे की बेहतर समझ को बेहतर बनाया जा सके, और इस तरह से जो यानी कि ब्रिक्स है ये ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अफ्रीका के ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है और जिनके दरमियान इक्तसादी और सियासी तामन को फ़रोग देने के लिए काम किया गया था। सो इट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर दीज इमर्जिंग इकोनॉमिक टू कोलैबोरेट एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पॉलिसीज विद अ फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ब्रिक्स हैज एन इंपॉर्टेंट ग्रुप इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इसमें जो है
ये ग्रुप जो है वो भर्ती है मईशत के लिए प्लेटफॉर्म देता है ताकि मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करें, बैन अक्वामी पॉलिसी के बड़े से अंदाज हो सकें। इसके अलावा जो है इक्तसादी तरक्की है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, आलमी मईशत है, ब्रिक्स के ऊपर जोर देने के साथ मुस्तकबिल की तश्कील में भी काफ़ी अहम जो है वो ग्रुप बन चुका है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन पाकिस्तान डिवेलप क्रेडिबल कैपेबिलिटीज टू डिटर हाइब्रिड वॉरफेयर। पाकिस्तान किस तरह से जो है क्रेडिबल कैपेबिलिटीज को डिवेलप कर सकता है हाइब्रिड वार से निमटने के लिए? पाकिस्तान कैसे हाइब्रिड जंग को रोकने के लिए काबिल एतमाद सलाहियतें तैयार कर सकता है? तो हाइब्रिड वार इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट ब्लेंड्स ट्रेडिशनली मिलिट्री मेथड्स विद नॉन ट्रेडिशनल टैक्टिक्स सच एज साइबर अटैक, मिस इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक प्रेशर, यूज ऑफ द प्रॉक्सी फोर्सेस। कंट्रीज फेसिंग हाइब्रिड वारफेयर मे नॉट ओनली हैव टू डील विद डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट्स बट ऑल्सो विद इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन, साइबर थ्रेट्स एंड प्रोपेगेंडा कैंपेन्स। तो हाइब्रिड जंग जो है एक जदीद तर्ज की जंग है जिसमें रवायती फौजी तरीके के साथ गैर रवायती यानी नॉन ट्रेडिशनल तरीके भी शामिल हैं, जैसा कि साइबर हमले हैं, गलत मालूमात फैलाना है, इक्तसादी दबाव है, प्रॉक्सी यानी फोर्सेस का इस्तेमाल है। इस तरह की जंग में ममालिक को न सिर्फ बरह रास्त फौजी खतरात का सामना करना पड़ता है बल्कि अंदरूनी तौर पर अदम इस्तेकाम का भी सामना करना पड़ता है, साइबर खतरात होते हैं, फिर एक मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती हैं। तो पाकिस्तान को हाइब्रिड जंग का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए, उसे रोकने के लिए एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, तो जिसका मकसद जो है वो यानी कि जिसका मकसद सिक्योरिटी होना चाहिए, इंटेलिजेंस और मालूमाती निज़ाम को बेहतर बनाना होना चाहिए। सो हाइब्रिड वार क्या है? व्हाट इज़ हाइब्रिड वार? हाइब्रिड वार जो है एक ऐसी जंग है जिसमें एक मुतअद्दिद टूल्स होते हैं और हिकमत अमली का इस्तेमाल होता है ताकि मुखालिफ को कमज़ोर किया जा सके। इसमें बरह रास्त फौजी तसादम नहीं होता, यानी दोनों किसी भी ममालिक की जो फौजी होते हैं वो बरह रास्त मुलविस नहीं होती, बल्कि एक नॉन यानी कि एक ट्रेडिशनली जो फौजी ताकत है उसको जो नॉन ट्रेडिशनल जो हिकमत अमली है उनके साथ जोड़ती है, जैसा कि साइबर अटैक है, यानी हुकूमती निज़ाम में जो बैंकिंग है, मवसलाती नेटवर्क्स हैं इसके अंदर खलल पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स होते हैं, और इसके अलावा डिस इंफॉर्मेशन कंपेन्स होती हैं, झूठी मालूमात होती हैं, प्रोपेगंडा फैलाया जाता है ताकि अवाम में उलझन को, बेतमादी को और तकसीम को पैदा किया जा सके। फिर इकोनॉमिक तौर पर भी प्रेशर होता है, एक मुल्क के ऊपर इक्तसादी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, उनकी तजारत में यानी कि खलल डाला जाता है, तो इस तरह से जो मुखालिफ मईशत होती है उसको नुकसान पहुँचता है। फिर इस तरह से प्रॉक्सी फोर्सेस की हमायत होती है, अंदरूनी तौर पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए प्रॉक्सी फोर्सेस या दहशतगर्द ग्रुपों की हमायत की जाती है। अब हाइब्रिड वार जो है वो क्यों पाकिस्तान के लिए खतरा है? पाकिस्तान को रियासती और गैर रियासती फैक्टर्स की तरफ से हाइब्रिड जंग के खतरा लाख हैं, जो दहशतगर्दी, गलत मालूमात और बाकी जो जराए हैं उनके जरिए मुल्क को यानी कि अनस्टेबल करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो ये खतरात जो हैं वो कौमी सलामती के हवाले से हैं, समाजी हमआहंगी के हवाले से हैं, इक्तसादी स्टेबिलिटी के ऊपर काफ़ी असर अंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अपने दिफा की खातर अपनी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल करें, इसके खिलाफ बेहतर हिकमत अमली बनाए। पाकिस्तान अपनी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बना सकता है, इसकी यानी कि अपना मजबूत सिक्योरिटी निज़ाम बनाया है, और हाइब्रिड जंग की सबसे जो अहम शोबों में से एक साइबर डोमेन है। पाकिस्तान को अपने साइबर सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सो पाकिस्तान को ताकि जो हुकूमती इदारे हैं, पाकिस्तान के फौजी असासे हैं, पाकिस्तान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मसलन जिस तरह से पावर ग्रिड्स हैं, तो इसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इसकी वो हिफाजत कर सके। देन एस्टेब्लिश नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी और अथॉरिटी बनाए पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी की, जिसमें पाकिस्तान को एक मरकजी इदारा बनाना चाहिए जो कि बाकी से कौमी साइबर सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं को देखे, इनकी निगरानी करे। दिस अथॉरिटी वुड कोऑर्डिनेट एफर्ट्स बिटवीन मिलिट्री गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट सेक्टर टू प्रिवेंट साइबर अटैक्स। तो इस तरह से यानी कि ये जो है इदारा फौज सरकारी और एजेंसियाँ और निजी शोबे के दरमियान जो है वो तामन को बेहतर करे ताकि साइबर हमलों से बचा जा सके। पाकिस्तान को अपने साइबर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपनी टेक्नोलॉजी को, इसके अलावा इंक्रप्शन सिस्टम है, फायरवॉल है, इसमें सरमायाकारी ज़रूरी है ताकि हसास डेटा और जो मौसलाती चैलेंजेस हैं उनकी हिफाजत की जा सके। देन ट्रेनिंग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स मेन के पाकिस्तान को जो है एक स्किल फोर्स डेवलप करनी चाहिए ताकि जो भी लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी के टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, वो इसमें हैकिंग भी है, साइबर फ्रॉजिक भी है, इसमें तरबियत याफ्ता होना चाहिए ताकि इस तरह के साइबर सिक्योरिटी के जो हमले हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, उनका मुकाबला किया जा सके। देन क्रिएटिंग अ साइबर रिस्पॉन्स फोर्स, यानी कि साइबर रिस्पॉन्स फोर्स बनानी चाहिए, फौज के अंदर एक मखसूस साइबर फोर्स
जो है रिस्पॉन्स फोर्स कायम की जानी चाहिए जो साइबर हमलों को हकीकी वक्त में संभाले। तो ये यूनिट जो है इनमें इसकी ये जिम्मेदारियां होनी चाहिए, यानी डिटेक्ट करना चाहिए और न्यूट्रलाइज करना चाहिए साइबर थ्रेट्स को, नेटवर्क की निगरानी करें और मुमकिन साइबर हमलों को मुकाबला करें। देन डिफेंस और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज डिवेलपिंग बोथ डिफेंसिव मैकेनिज्म टू ब्लॉक साइबर अटैक्स एंड ऑफेंसिव साइबर टूल्स टू रिस्पॉन्ड टू अग्रेसर। और इसके साथ साथ जो साइबर हमले हैं उनको रोकने के लिए दिफाई तरीकाकार तैयार करें, हमलावरों को जवाब देने के लिए जारहाना साइबर आलात यानी कि इस्तेमाल करें, टूल इस्तेमाल करें। देन काउंटरिंग डिस इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा, और इसके साथ साथ गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं उनका मुकाबला करें, और इसके साथ साथ हसास जो मालूमात हैं उसको कंट्रोल करें। पाकिस्तान को ऐसी सलाहें तैयार करनी चाहिए जो भी पाकिस्तान के खिलाफ यानी कि नैरेटिव्स होते हैं, फाल्स नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा किया जाता है तो वो माशरे को तकसीम कर देता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ये अपनी कौमी हौसले को कमज़ोर यानी कि जो करने वाले अनासर हैं उनको ख़त्म करें, उनके खिलाफ इकदाम करें। देन एस्टेब्लिश मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट काम किया जाना चाहिए, मकामी या बैन अक्वामी मीडिया की निगरानी करेगा ताकि गलत मालूमात जाली खबरों का पता लगाया जा सकेगा, खासतौर पर बहरान या जंग के दौरान। इस तरह से फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान को ऐसे सरकारी प्लेटफॉर्म तैयार करने चाहिए जहाँ शहरी मालूमात खबरों की सच्चाई की तस्दीक की जाए ताकि फॉल्स जो नैरेटिव्स हैं उनको फैलाव को रोका जाए। पब्लिक अवेयरनेस और मीडिया लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवाम को गलत मालूमात की पहचान सिखाना ज़रूरी है, मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना ज़रूरी है। मीडिया लिटरेसी यानी कि जो है उनको प्रमोट करने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो अवाम को उनके मालूमात के बारे में ज़्यादा मोहतात बनाएंगे जो वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से मीडिया भी अपना रोल प्ले कर सकता है। इस तमाम खतरा से निपटने के लिए पूरे मुल्क में कंपेन्स शुरू की जाए ताकि अवाम को खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जो भी गलत मालूमात हैं या उनको खतरात का सामना है उसके बारे में उनको आगाह किया जा सके। इसके साथ साथ हुकूमत को सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि नुकसानदेह झूठी मालूमात को जल्दी से जल्दी यानी कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उनको ख़त्म किया जाए। इंटेलिजेंस तबादलों को बेहतर बनाया जाए यानी कि पाकिस्तान के इदारों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि मिलकर जो है इस तरह के खतरात का मुकाबला किया जा सके। और पाकिस्तान की जो भी सर्विलेंस टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास ड्रोन्स हैं, सेटेलाइट्स हैं, सिस्टम है या जो भी डेटा एनालिटिक्स है, इस तरह की टेक्नोलॉजीज में पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इसको इस सिस्टम को पाकिस्तान बेहतर बनाए। और जो भी दुश्मन की तरफ से पाकिस्तान को खतरात होते हैं प्रोपेगेंडा किया जाता है पाकिस्तान का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सके। इसके साथ साथ जो भी पाकिस्तान के दोस्ताना ममालिक हैं यानी कि जिस तरह से चाइना है तो इस तरह से उनके उनके जो फौजी या इंटेलिजेंस मशकें हैं उनमें पाकिस्तान को हिस्सा लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो हाइब्रिड खतरात हैं उसको मुकाबला करने की सलाहियत को जो है बेहतर बनाया जा सके। तो इस तरह से ये यानी कि हाइब्रिड जंग होती है और इस तरह से पाकिस्तान को जिस हाइब्रिड जंग का इस मुख्तलिफ वैसे हमने डिस्कस किया इस तरह का सामना है और पाकिस्तान यानी कि इन तमाम पॉइंट्स को इन तमाम इकदाम को जो है मद्देनजर रखकर और इनको इनके ऊपर इनको इम्प्लीमेंट करके जो है वो उस तरह के प्रोपेगेंडा से बच सकता है। तो हाइब्रिड जंग जो है बड़ी कम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए। कबल एतमाद सलाहियतों की तरक्की के लिए पाकिस्तान को अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा, गलत मालूमात फैलाने वालों का मुकाबला करना होगा, इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना होगा, इसके अलावा अपनी फौज को जदीद बनाने की ज़रूरत है। तो एक बेहतर हिकमत अमली के तहत जो है वो सिविल फौजी इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरमियाना मांगी होनी चाहिए। तो इस तरह के जो है वो इकदाम करके पाकिस्तान हाइब्रिड खतरा से मुसर तरीके से निमट सकता है, अपने दिफा को अपनी कौमी सलामती को यकीनी बना सकता है।